नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जुलाई के मौसम में आप अपने आप को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाएं, डाइट प्लान सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जुलाई का मौसम दोस्तों बीमारी तुरंत पकड़ लेती है, क्या खाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले सवेरे आपको क्या चीज लेनी है। दोस्तों, जुलाई का मौसम यानी कि बरसात का मौसम यानी कि सावन। तो दोस्तों, इस समय हमें इसका अगर मजा उठाना है तो किन बातों का ध्यान रखना है उस बारे में बताऊंगा, क्या सावधानी रखें वो मैं आपको बताऊंगा, डाइट क्या वो भी बताऊंगा। सुबह उठते ही आप गर्म चाय लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दालचीनी डालिए और थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और इसकी चाय बना के सवेरे गरम गरम लीजिए। जिन लोगों को गठिया है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो इसका सेवन अवश्य करें। इससे पूरी बरसात उन्हें जो है जोड़ों का दर्द नहीं रहेगा। उसके अलावा आप जो है अदरक की चाय बना सकते हैं, हल्दी की चाय बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है, तो आप हल्दी की चाय बना लें। और यह है मेथी का दाना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। कड़वी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें बरसात के मौसम में, जैसे कि करेला, नीम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। एक बात का ध्यान रखें कि आपको पत्तेदार और बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आपको सलाद खाना है। अगर आपको सलाद खाना भी है तो उबाल के फिर उसको काट कर आप सलाद बनाएं। तो ये जो है सवेरे का जो है आप इस तरह से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में संक्रमण से मलेरिया, बुखार, जुकाम, दस्त, पेचिस, हैजा, गठिया, जोड़ों में दर्द, सूजन, उच्च रक्तचाप, फुंसी, दांत, खुजली, अनेक रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खाने में आपको क्या सेवन करना है वो आपको मैं बता देता हूं। गेहूं, जौ, रागी, चावल, मक्का, भुट्टा, सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मट्ठा खा सकते हैं आप। दालों में मूंग दाल, अरहर की दाल बहुत ही फायदेमंद होगी, तो मूंग की दाल खाएं और अरहर की दाल खाएं। सब्जियों में लौकी, भिंडी, तोरई, टमाटर, पुदीने की चटनी, सब्जियों का सूप पिए गरम गरम। फल में आपको खाना है सेब, केला, अनार, नाशपति, पके देसी आम। आम और दूध के साथ अगर आप बरसात के मौसम में लेते हैं एक साथ दोनों को तो काफी फायदा होगा। घी और तेल से बने नमकीन पदार्थ आप खा सकते हैं। दही की लस्सी में लौंग डाल के खाएं, बरसात के मौसम में काफी फायदा रहेगा। आप चाहे तो इसमें सेंधा नमक, अजवाइन, काला नमक डाल सकते हैं। लहसुन को कूटकर शहद के साथ लें। पानी जो भी पीना है वो उबाल कर पिए। सावन के महीने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब इस मौसम में क्या नहीं खाना वो मैं आपको बता देता हूं। पत्ते वाली सब्जी, ठंडे पदार्थ, चना नहीं खाना है, मोठ, जौ, मटर, मसूर, आलू, कटहल, सिंघाड़ा, ये सब सब्जी नहीं खानी है आपको। भारी भोजन बार बार भोजन करना, भूख न होने पर भी भोजन करने से बचना चाहिए। रात के समय दही और मट्ठा नहीं खाना है। बरसात के मौसम में आपको क्या करना है, शरीर की मालिश करनी है, सिकाई करनी है, साफ सुथरे और हल्के कपड़े पहनने हैं। भोजन भूख लगने और ठीक समय पर करना चाहिए। रात को भोजन जल्दी कर लें, मच्छर से बचें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के आसपास गड्ढों में जमा हुआ या सड़ रहा पानी में मच्छर, मक्खी आदि जो है वो बैठ जाती है, इनसे बचने के लिए दवाई का छिड़काव कर लें। क्या नहीं करना है, गीले कपड़े
गीला बस्तर का उपयोग ना करें, इससे जो है आपको गुप्तांगों, जांघों और चमड़ी के रोग होने की संभावना हो सकती है। बरसात के मौसम में सड़क पर बिकने वाले समोसे या कोई भी ऐसी तली हुई चीजें, कोई भी पानी पूरी इस तरह की चीजें ना खाएं, इससे तुरंत बीमारी होने की संभावना होती है। बरसात के मौसम में फिसलने की संभावना ज्यादा होती है, तो सावधानी से गाड़ी चलाएं, सावधानी से पैदल चलें। अगर शरीर में घमौरे निकल आए तो बर्फ से मालिश करें, राहत मिलेगी आपको।